किस किस का जवाब दोगे? वो खराब से खराब होते चले जाते, पेजेस जो है उसके बाद ही तो बने, लखन ने कमेंट्स को लेकर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक तो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, मतलब वीडियो जो है वो तो अच्छे चल ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और भी बहुत कुछ हुआ है, वो मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ यूट्यूब टॉकिस पर, ठीक है जी। जिन्होंने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम्युनिटी पर मैंने लिंक शेयर किया है, आप लोग जाकर कर सकते हो। यूट्यूब टॉकिस पर मैं करती हूँ बात वो जो कि यूट्यूब पर क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर, जो लोग एग्री करते हैं, जो लोग डिसएग्री करते हैं, सब लोग एज इट इज ही कमेंट करें, ठीक है। सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कल का एपिसोड मेरा बनाया था लखन के ऊपर, कितने लोगों ने एग्री किया, कितने लोगों ने डिसएग्री किया। देखिए, हम लोग, जरूरी नहीं है कि सबकी सोच जो है वो अलग अलग होती है, जरूरी नहीं सबकी सोच एक ही हो, है ना, लेकिन हम लोग सबका तहे दिल से जो है ना वो स्वागत करते हैं, चाहे वो हेटर है चाहे वो सपोर्टर है। लेकिन अगर कोई अब्यूज करेगा या गलत कमेंट करेगा तो हम लोग जो है ऑप्शन दी है यूट्यूब ने, हम लोग वहां से डिलीट कर देंगे। और मैं ये चीज भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सभ्य लैंग्वेज का यूज करते हुए ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जी, मैं एक चीज क्या ही बताऊं, यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो है पुराना सामान लो और नया ले जाओ, पुराना दो नया ले जाओ, ऐसा कुछ चल रहा है। सो आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अभी बात करने वाली हूँ। लखन भाई को जो है यहाँ पर बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन है, सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अपना खुद का घर ले लिया है। यहाँ पर अब जो है कोई भी लड़ाई झगड़ा करते हुए ये तो नहीं कहेगा चलो निकलो मेरे घर से। देखिए, आप जो है पेरेंट्स, जहाँ पर पेरेंट्स भी आते हैं यहाँ पर जो है बच्चे भी आते हैं, है ना जी। तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स हमेशा ही, सब लोग, सब पेरेंट्स नहीं, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हमने अपने बच्चों के ऊपर एहसान किया। ऐसा ही कल के कमेंट सेक्शन में से कुछ कमेंट्स उठाकर मैं उनके ऊपर बात करती हूँ, ठीक है। वहां पर किसी ने डिसएग्री करते हुए, इन बातों के ऊपर बात करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर सबसे पहले जो है ना लखन लेकर आए हैं बात, लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि आप फॉलोअर ही नहीं हो एक्चुअली में, है ना। ये सब चीजें जो है ना लास्ट 3 मंथ से भी ज्यादा हो गया चलते हुए, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो भी तो शेयर करी थी, लेकिन फिर जो है ठीक है, मैंने कंटिन्यू नहीं करा सब उन बातों को, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जल्दी से ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं, ये कॉन्ट्रोवर्सी थमने का रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना। और वहां पर ये भी बात है कि सोशल मीडिया पर सबसे पहले जो है वो पाई और भामू लेकर आए थे, जहां फिर सबसे पहले सैंडी कैंडी लेकर आए थे, है ना, सैंडी लेकर आई थी, क्योंकि उसने जब अपना चैनल बनाया, जहां फिर उसने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा कि मेरे संस्कार ये कहते हैं, मेरे संस्कार ये कहते हैं, और वहां पर भामू और पाई ने स्पोर्ट में वीडियो बनाते हुए ये कहा कि सैंडी के जो है वो संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन नीतू ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट अपने इन लॉज के बरखिलाफ कभी भी नहीं दी, क्योंकि वो अपने रिश्तों को समझती है। कोई लोग कह देते हैं ना कि आप नीतू किस स्पोर्ट में बात करते हो, भाई हम कौन होते हैं किसी के स्पोर्ट में बात करने वाले, जो सोशल मीडिया पर दिखता है हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं। आज अगर यहाँ पर लखन उस नीतू की साइड पर है, नीतू की स्पोर्ट मर है, मतलब स्पोर्ट कर रहे हैं, जहाँ फिर नीतू के आगे सामने खड़े होकर हर उस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जिस पे कि नीतू के ऊपर कोई सवाल उठाए तो जवाब जो है ना लखन देंगे, वो इसी वजह से ना कि नीतू ने अभी तक भी, मतलब अभी तक क्या, कभी भी यहाँ पर लखन की फैमिली को, जाने की, अपने लॉस को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं दी। वो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। यहाँ पर बात करते हैं तो कहते कहते लोग ये भी कहते हैं कि पुतन के साथ कंपेरिजन, बिल्कुल नहीं, इनका कंपेरिजन मैं फ्लाइंग बीस्ट के साथ कर सकती हूँ, ठीक है। पुतन फैमिली के भाई बहुत लेवल भी होता है ना, टक्कर की बात करिए, हद हो गई, उनके साथ इनका कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इन्हीं के बात कर रही हूँ, लखन फैमिली की, है ना।
जहां पर लखन को सरप्राइज देते हुए नीतू आज कितनी खुश थी। जब वो नीतू मतलब बात कर रही थी ना, मैं खुद से ही बहुत प्राउड फील कर रही थी कि देखिए, जब लखन ने बोला कि ये गाड़ी हमने ली थी, बच्चों ने वही चीज होगी ना, पहली पहली गाड़ी पहला घर, तो खुशी माँ बाप को भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई है, पहले उधर उनकी ओर से भमो और पाई और सैंडी की ओर से, और फिर जो है जवाब दिए गए हैं इधर लखन की ओर से। लखन ने भी ये सब चीजें अभी करनी नहीं थी, लेकिन कहते ना पानी जब सर से ऊपर बहने लग जाए तो भी अपने बचाव के लिए तो आपको आगे आना ही पड़ेगा। यहाँ पर कुछ सपोर्टर ऐसे भी आए हैं जिन्होंने बोला कि कमेंट्स पर अब जो है लखन ने मतलब कि शिकायत करी है ना, और साइबर मतलब सेल में जाकर जो है ना शिकायत करी है, जब उनको यही नहीं पता कि लखन ने कमेंट्स के ऊपर जो है ना शिकायत नहीं करी। लखन ने जो फेक पेजेस बनाकर नीतू को मतलब नीतू के लिए गलत बोला जा रहा था, गलत दिखाया जा रहा था, है ना, उनके लिए शिकायत करी है। ये सिर्फ नीतू के लिए नहीं, उसने आज की यूथ की जितनी भी लड़कियां हैं सबको सिक्योर करते हुए ये शिकायत करी है, ताकि उन लोगों को एक सबक मिले जो ये सब चीजें करते हैं। कमेंट्स के लिए नहीं उसने करा, कमेंट्स के लिए तो यूट्यूब ने आप लोगों को दो हाथ दिए हैं ना, आप ब्लॉक करते जाओ, अदरवाइज जिसका ज्यादा ही हो जाता तो रिपोर्ट कर दो, है ना, वो सब चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन उसने एक्चुअली में स्टैंड लिया तो सब औरतों के लिए लिया, ठीक है ना, जो लड़कियां हरास होती हैं कि ऐसे ऐसे गंदे पेजेस उनके बनाकर उनकी पिक्स यूज कर है ना उनको डिफेम किया जाता है, इसलिए उसने स्टैंड लिया और साइबर सेल में जाकर उनके लिए शिकायत करी, है ना। लेकिन आज तो बड़ा ही हैप्पी वाला मोमेंट था उनकी लाइफ का, वीडियो जरूर से हम लोगों के साथ लेट शेयर हुआ, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए भी, भमू और पाई के लिए भी बहुत ही ये प्राउड मोमेंट रहा होगा कि उनके बच्चे ने इतना अचीव करा और अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ गए। ये भमू पाई के लिए ही नहीं, अब मुझे नहीं पता उनकी फीलिंग क्या होगी, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग पता है कि अगर मेरे बच्चे भी ये सब करते हैं ना, तो भाई मैं बहुत ही प्राउड फील करूंगी। अगर मैं अपने बच्चों के नाम से जानी जाऊंगी ना, उस दिन मैं भी बहुत ही प्राउड फील करूंगी, है ना। तो होता है ना कि माँ बाप हमेशा से चाहते हैं कि जो हम लोग अचीव नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करें, है ना। और वहां पर मैं संस्कारों की जब बात करती हूँ ना, लखन में संस्कार कूट कूट कर भरे गए हैं, तो ये संस्कार जो है ना भामू की ओर से भरे गए ना, तो भामू की भी वहां पे तारीफ ही होती है, काबिले तारीफ ही है, एक माँ ने अपने बच्चे में इतने संस्कार दिए हैं, है ना। लेकिन आप ये चीज भी तो देखिए कि मतलब किसी ने मुझे कमेंट में ये चीज भी बोली है कि लखन ही है एक बेटा ऐसा कि जो कि मतलब कहते ना श्रवण पुत्र, तो वो लखन है, बाकी जो है वो लालची है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि माँ के लिए सब बच्चे बराबर है। अब कोई श्रवण निकल आए तो कोई कैसा निकल आए, कल तक तो लखन को सब लोग रावण भी कह रहे थे, है ना। अब वो चीजें जो है ना यूथ पर डिपेंड करता है, यूथ जाने की, ये हमारी वाइटी फैमिली का एक बहुत बड़ा तबका जो है ना यूथ का, वो लखन के साथ जुड़ा हुआ है, लखन की सपोर्ट में भी खड़ा है। लेकिन सपोर्ट आप कभी गलत के साथ में नहीं दोगे, आप हमेशा सच का साथ दोगे, और सच जो है ना हमेशा मतलब छुपके नहीं रहता, दबाया नहीं जा सकता, वो निकलकर सामने आता ही है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था कि इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो है क्रिएट हुई, लेकिन सच निकलकर सामने आ ही। लखन ने कहा, मैंने कहां गलत किया अगर मैं अपनी वाइफ की ओर से स्टैंड ले रहा हूं, वाइफ के लिए स्टैंड ले रहा हूं, तो कुछ गलत नहीं है। वाइफ ने भी तो कभी गलत नहीं करा, वाइफ ने भी तो गलत स्टेटमेंट नहीं दी। मुझसे पूछा जा रहा है कि वाइफ जो है वो जी भामू के यहाँ पर नहीं रही, भामू के जो है फैमिली के रिचुअल्स उसने फॉलो नहीं किए, किसने बोला आपको उसने फॉलो नहीं किए, वो वहां नहीं रही, किसने बोला? भैया आप एक्चुअली में उनके फॉलोअर ही नहीं हो, इसलिए आपको वो चीजें पता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब सैंडी नहीं आई थी अभी तक, तो जब तक तो वो भामू के साथ रील्स ही बनाती थी, वो एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसकी लाइफ इतनी बिजी है तो उसको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। वो अपने घर पर भी थी, लेकिन हर फेस्टिवल में वो अपने इन-लॉज के साथ है। अभी कंट्रोवर्सी चलते हुए भी उसने अपनी बुआ सास की बेटी यानी कि अपनी ननद की शादी भी की, सारी रिचुअल, हाँ शादी की सारी रिचुअल्स में वो उनके साथ रही है और बड़े अच्छे से एंजॉय की है उसने शादी, है ना। सारी जो भाभी की रस्में होती है वो उसने की है,
किसने बोला कि वो अपनी इन-लॉज फैमिली के साथ नहीं रही? अभी तक स्टिल लास्ट मंथ तक वो उनके साथ थी, है ना? अलग घर में रहना वो अलग चीज है, आप लोगों को भी पता है। अब रणवीर कपूर है, ठीक है ना, उनका लाइफस्टाइल अलग है क्योंकि वो काम करते हैं इसलिए वो अलग रहते हैं। अब वो ही चीज इन लोगों के साथ भी है भैया, बड़े लोग हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, बड़े लोग हैं लेकिन डाउन टू अर्थ है ना, अपनी फैमिली को पूरा टाइम भी देते हैं, है ना। लेकिन अभी तक कभी भी गलत स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी है नीतू की अपनी इन लॉस के लिए या किसी और के लिए भी। आज भी उसने ये चीज बोली है कि मैं दीदी के लिए जो है एक कमरा रेडी करूंगी, है ना, अपने घर में। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली बच्चों ने अपना घर लिया। वो अपनी इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी जो भी था, लेकिन फिर भी अपने फैन को नहीं भूले हैं और अपने इन व्यूअर्स को नहीं भूले हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पुत्तन परी की बात करते हो, जिनकी लग्जरी अभी जस्ट थोड़ी सी स्टार्ट ही हुई है और उनके दिमाग में वो जो सफलता है ना वो चढ़कर बोलने लग गई है ना, ब्रांड ब्रांड करते हैं वो लोग, है ना भाई। उनकी तो बात मत करिए, वो इनका कंपैरिजन, उनका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लखन जैसा कोई नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि अब कह ही देना चाहिए, है ना, कि उसने बराबर रखा हुआ है अपने पेरेंट्स को भी और अपनी इन लॉस फैमिली को भी, नीतू को भी। उस वो इतना केयरिंग है, लविंग हस्बैंड है और वहां पर वो श्रवण पुत्र भी है। वो अपने पिता के लिए, अगर उसके पिता के लिए कोई गलत बोलेगा वो मेरे को नहीं लगता वो कभी सुनेगा, उसकी माँ के लिए कोई गलत बोलेगा मुझे नहीं लगता वो कभी सुनेगा, है ना। लेकिन वहां पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए इतना रॉन्ग रॉन्ग बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं, तो वो पता नहीं कैसे चुप है, फिर भी वो चुप है, उसने कभी कुछ गलत नहीं बोला। मदर की सेलिब्रेशन में जो है कि गोल्डन उनको प्ले बटन मिला यूट्यूब की ओर से, वो सेलिब्रेशन में भी पहुंचा, लेकिन उस सेलिब्रेशन का जो मेन हिस्सा थी नीतू भाई, उसी को याद नहीं किया गया। तो भाई बात तो होती है ना, दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया को दिखाई पड़ता है, दुनिया बात करेगी। ये सैंडी तो जुम्मा जुम्मा भी 4 दिन ही हुए आई हुई, है ना। लेकिन खुद को हाईलाइट करना ना कुछ लोगों को आता है, जैसे कि सैंडी को ले, है ना, थोड़ा सा काम करेंगी लेकिन बखान इतना करेंगी। अच्छा आप बताइए मुझे कि मेरी रोका सेरामनी पर आपको खाना कैसा लगा? तो सबने एक एक इंसान को पकड़ कर, भाई बरातियों को पकड़ कर उसने पूछा खाना कैसा लगा, ये कैसा था, आपका स्वागत कैसा हुआ। भाई ऐसा बहू कब करती है? उसकी फैमिली पूछ लेती ना आपको, भाई कोई कमी पेशी रह गई हो तो हमें माफ करना, तो फिर वो सामने से कहते नहीं आपने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया। यही होता है ना, दो परिवार मिलते हैं और वहां पर तो पाई निहाल हो गए, पाई तो बार बार यही कहते सुने सुनते हुए हमें नजर आए, सुनाते हुए नजर आए कि देखिए हमें एक्चुअली में अब लगा, पहली बार लगा कि हम अपने बेटे की ससुराल आए हैं। हालांकि वो बेटे की ससुराल में पहले भी जा चुके, जाने की लखन की तो शादी हो चुकी थी ना, तभी तो नीतू से भी फैमिली से पूछा गया खाना कैसा था, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा था। तभी भी नीतू सैंडी के रोके सेरेमनी पर भी थी वहां पर, है ना, तो लखन भी था। तो जब आपके बड़े बेटे की शादी हुई जब नहीं आप लोगों को लगा बिल्कुल भी? जब तो पाई कहते थे कि शादी होगी तो जी ये नीतू के साथ ही होगी, जब पाई तो ऐसा भी कहते थे, है ना। लेकिन कभी भी इनको नहीं लगा कि हाँ मैं अपने बड़े बेटे की शादी में भी, मतलब ये सब चीजें हुई हैं, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आपको सिर्फ सैंडी की फैमिली में ही जब गए हो जब ही क्यों लगा? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं व्यूअर्स के, हम लोगों के, है ना, किस किस का जवाब दोगे? बात वही आती है ना कि सोशल मीडिया पर जो है आप ये सब चीजें ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि एक पारिवारिक मसला जो है वो परिवार में बैठ के ही हल हो सकता है, सुलझाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पारिवारिक मसले जो है वो सुलझाए नहीं जा सकते, वो बिखर ही जाते हैं, वो खराब से खराब होते चले जाते हैं, लेकिन जो है ना सुलझाए नहीं जा सकते। और वहां पर पाई ने जब विवेक चौधरी के वहां पर वो चौधरी फैमिली के बीच में जब गए हैं, चलिए ठीक है उन्होंने आपका बहुत अच्छा स्वागत करा, ये सब चीजें हुई, लेकिन पेजेस जो है उसके बाद ही तो बने, उससे पहले वो पेजेस नहीं थे। उन पेजेस के लिए जो है ना लखन ने स्टैंड लिया, जहां से मैंने बात शुरू करी थी वहीं पे खत्म कर रही हूं। लखन ने कमेंट्स को लेकर नहीं, लखन ने पेजेस को लेकर जो है ना वो उसने स्टैंड लिया, और मेरे को लगता है यूथ को एक बहुत अच्छा उसने मैसेज भी दिया अपने वीडियो के थ्रू।
अच्छा अभी भी लखन के जितने एपिसोड आते हैं ना, जहाँ फिर नीटू के आते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमेशा से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। अभी फिलहाल लखन के जितने भी एपिसोड मैंने अभी देख रही हूँ, रिसेंट जो आ भी रहे हैं, तो उसमें यही है कि मेहनत करो, आपको फल जरूर से मिलेगा। 2020 में आप लोग ये देख लीजिए, जो टिकटॉक के वो थे, इन्फ्लुएंसर थे, वायरल थे ये वाला कपल, है ना, तो अभी जुमा जुमा इनको 3 से 4 साल हुए हैं और इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है ना, अचीव कर लिया इतना कुछ, क्योंकि इसी को तो कहते हैं ना मेहनत। और नीतू स्टिल अभी तक मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन वो एक सभ्य लड़की भी है। यहाँ पर एक ये भी चीज है कि उस लड़की को पता है कब और कहाँ कितना बोलना है, ये नहीं बोलते टाइम पर बस बोलते चले गए, लाइव पर लाइव करते चले गए, लेकिन बड़ों को डिसरिस्पेक्ट भी दे दी, लेकिन हमने तो कहा कि हमने अपनी बात रखी है, ऐसा उसने अभी तक कुछ नहीं कहा, है ना। तो फिर स्टैंड लेना तो बनता है ना हस्बैंड का, क्योंकि जब वो मर्यादा में रहकर वो सारी चीजें कर रही है, तो फिर लखन का तो भाई बनता है कि वो स्टैंड ले नीतू का, नीतू की सपोर्ट में उसका हस्बैंड खड़ा हो। नीतू उसका हस्बैंड नीतू का जाने कि लखन केयरिंग है, लविंग है अगर नीतू के लिए, तो वो उतना ही अपने पेरेंट्स के लिए भी है, ऐसा मुझे अभी तक देखने में मिला है ना। आपको कैसा लगा आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। हर कमेंट्स की जो है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पढ़ती हूँ, सब कमेंट्स में पढ़ती हूँ, लेकिन यही बात होती है ना, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच अलग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती। सो आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ठीक है, जिसका मुझे बहुत सही लगेगा मैं पिन जरूर करूंगी, लेकिन अगर आप रिप्लाई रिप्लाई करोगे ना एक दूसरे को, तो फिर मैं उसमें पिन नहीं कर सकती हूँ, है ना, पिन हो ही नहीं सकता। आप लोगों को भी ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। कैसा लगा मेरा वीडियो बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।